नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओबी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। बहरीन में आज 200 साल पुराने मंदिर की पुनर्निर्माण परियोजना का शुभारंभ करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय बहरीन यात्रा का आज आखिरी दिन है। वह मनामा के एक विशेष समारोह में 200 साल पुराने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की पुनर्निर्माण परियोजना का आज शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना पर $42 लाख की लागत से बनाई गई है। मोदी बहरीन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है। मंदिर का नवनिर्मित ढांचा 45,000 वर्ग फुट में होगा और इसके 80% हिस्से में कहीं अधिक श्रद्धालु के लिए जगह होगी। मंदिर में लगा एक ज्ञान केंद्र और एक संग्रहालय भी होगा। इस्लामिक देश बहरीन में बना यह कृष्ण मंदिर खाड़ी क्षेत्र का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। दोस्त अरुण को याद करते हुए पीएम मोदी बोले, साथ मिलकर के सपनों को सजाया और निभाया। बहरीन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को याद करते हुए कहा है कि सपनों को सजाया और सपनों को निभाया। ऐसा लंबा सफर जिस दोस्त के साथ पूरा किया वो दोस्त अरुण जेटली ने आज ही अपना देह छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को दिल्ली के एम्स में 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मथुरा में 24 साल बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया अपने गुरु का यह सपना। केंद्र सरकार में कांग्रेस और प्रदेश में मायावती की सरकार के दौरान प्रशासन द्वारा बैरिगेटिंग कर लोगों के लिए प्रतिबंधित की गई श्री कृष्ण जन्म स्थल की केशव वाटिका 24 साल बाद अब आम लोगों के लिए खोल दी गई है। इससे पहले इस पार्क में श्रद्धालु की प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। इसे खोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 फरवरी 2018 को ही घोषणा कर दी थी, लेकिन कुछ अड़चन आ रही थी जिसके बाद केशव वाटिका जन्माष्टमी के मौके पर से नहाई हुई यह नजर आ रही है। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर केशव वाटिका के आसपास भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों से हटी पाबंदी, सड़कों पर लौटी रोशनी। जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्रों में अब पाबंदी हटा ली गई है और इन इलाकों में अब लोग सुगमता के साथ आगमन कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि पाबंदियों के बावजूद इस बार कश्मीर से फलों का पिछले साल की तुलना में निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कंप्यूटर बाबा ने की मोदी की तारीफ, बोले एक वादा पूरा किया, अब राम मंदिर की बारी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने पर कंप्यूटर बाबा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का अपना वादा पूरा किया। उन्होंने अपना एक वादा पूरा किया, अब दूसरे वादा की बारी है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम पर कार्रवाई को लेकर के उन्होंने कहा है कि किसी पर भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरुण जेटली के अंतिम संस्कार के चलते रिंग रोड पर ट्रैफिक अलर्ट। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के अंतिम संस्कार के चलते दिल्ली में ट्रैफिक धीमा होने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार निगम बोर्ड घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार के चलते रिंग रोड पर ट्रैफिक बढ़ सकता है। रविवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक इंद्रप्रस्थ फ्लाईओवर के चंदगी राम अखाड़े तक यह यातायात भरी रहेगी। आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर 2:30 बजे किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले अरुण जेटली का पार्थिव शरीर पार्टी मुख्यालय चुका है। अरुण जेटली के पार्थिव शरीर सेना के ट्रक में राजकीय सम्मान के साथ बीजेपी मुख्यालय लाया गया है। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच होगा गठबंधन, सोनिया गांधी ने दी मंजूरी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्य में कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन को अपनी मंजूरी दे दी है। कांग्रेस के सूत्रों से जानकारी यह खबर है कि लोकसभा चुनाव में राज्य के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सौमित्र मित्रा के साथ बैठक की और राज्य के आगामी विधानसभा उपचुनाव समेत विभिन्न संगठित विषयों पर चर्चा की। मित्रा ने कहा है कि हमने सोनिया जी को राज्य के आगामी उपचुनाव के लिए वाम मोर्चा की सीट बांटने पर सहमति के बारे में जानकारी दी है। अगर वाम मोर्चा तैयार है तो दोनों पार्टियों को राज्य में गठजोड़ बनाना होगा। प्रभास की साहू रिलीज से पहले ट्विटर पर बनाई ये रिकॉर्ड। बाहुबली सीरीज के बाद इंटरनेशनल स्टार बन चुके अभिनेता प्रभास की नई फिल्म साहू 30 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। जबरदस्त स्टंट और हैरान कर देने वाले एक्शन सीन के चलते सुर्खियों में छाई हुई यह फिल्म रिलीज से पहले ही ट्विटर पर एक रिकॉर्ड बनाने वाली है। फिल्म की प्रमोशन रणनीति के तहत इसका एक इमोजी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी बनाया जाएगा। हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अब संयुक्त राष्ट्र के सामने उठाया कश्मीर मुद्दा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर में पनप रही और संवेदनशील होती स्थिति से अवगत कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से शनिवार पर फोन पर बातचीत की है। गुतेरेस के साथ बातचीत के ब्यूरो में उपलब्ध कराने के लिए मीडिया से कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे के समाधान में भूमिका निभाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच उस वक्त तनाव बढ़ गया था जब नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370
सतर्क के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बोले, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मुमकिन, दूरदर्शी प्रबंध से हासिल होगा लक्ष्य। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, इसके लिए दूरदर्शी आर्थिक प्रबंध की जरूरत है। इसके साथ ही प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि GST कानून में कुछ और अस्पष्टता की जरूरत है।